ब्राह्मण बार बार ब्राह्मण देवता जब कथा करते करते मंदिर में आवाज लगा रहे हैं हर हर महादेव, तो देवराज को बड़ा चिढ़ छूट रहा है, बड़ा क्रोध आ रहा है। देवराज को ठीक नहीं लग रहा, देवराज को अच्छा नहीं लग रहा। देवराज मंदिर में से उठा, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, उसको नहीं मालूम कि ये बेलपत्र की कृपा क्या है, ये बेलपत्र की करुणा क्या है, ये बेलपत्र की दया क्या है। उसके स्मरण में ये नहीं है कि बेलपत्र कृपा क्या करता है। हम पहले भी कथा में कई आज फिर कहते हैं, शिवालय तक भी अगर आप नहीं जा सकते, शंकर भगवान के मंदिर तक भी अगर आप नहीं पहुंच सकते, तो प्रयास करना जिंदगी में कि आपके नजदीक में अगर कोई बेलपत्री का वृक्ष है तो उसके नीचे भी अगर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं तो जिंदगी में कभी संपदा की कमी तो नहीं आ सकती, ये निश्चित है। बेलपत्री के एक पत्ते से, एक पत्ते से लेकर बेलपत्री के नीचे की डंडी के डूठ तक भी बेलपत्री साधारण नहीं, वो सुख प्रदान करने वाली, वो आनंद देने वाली। एक पत्ते से लेकर भी अगर नीचे डंडी के नीचे के डूठ तक भी देखें तो बेलपत्री करुणा करने वाली, दया करने वाली, कृपा करने वाली। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। इसको नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, खड़ा हो गया हूं या यहां पर हूं, इसको अंदाजा नहीं है। श्वास आखिरी थी, समय आखिरी था, प्राण छूटने का समय आ गया था, और प्राण छूटने का समय आया और देवराज के जब प्राण छूटे, उसको नहीं मालूम कि मैंने शंकर भगवान के मंदिर में जाकर दो मिनट की, एक क्षण की, एक घड़ी की, एक पल की, कुछ देर की शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ली, और वो कथा सुनने के बाद मैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आ गया और आज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मेरे प्राण छूट रहे हैं, ये उसको अंदाजा नहीं। बस उसके प्राण गए, प्राण गए तो देव अधिदेव महादेव स्वयं नंदी लेकर उस देवराज, जो ब्राह्मण है पर चोरी कर रहा था, गलत व्यसन में डूबा था, उसको लेने के लिए शिव स्वयं आ गए, भगवान शंकर स्वयं पहुंचकर। देवराज ने पूछा कि मैं तो ब्राह्मण हूं माना, पर मैंने गलती भी तो करी है, मैंने चोरी करी है, मदिरा पान करा है, व्यसन करा है, गलत नारी का संग मैंने कर लिया, और आप मुझे परम पद दे रहे हो, आप मुझे कैलाश धाम दे रहे हो, ये बड़ी कृपा नहीं तो क्या है। भगवान शंकर कहें, शिव जी ने देवराज से कहा कि तुमने एक मिनट की, एक क्षण की शिव महापुराण की कथा शिवालय में बैठकर श्रवण करी है और बेलपत्री के वृक्ष की छांव में तुम्हारे प्राण छूटे हैं, इसलिए तुम्हें कैलाश का धाम मिल गया है, कैलाश का धाम। मेरी माताओं से निवेदन, मेरी जीजियों से निवेदन, मेरे भाइयों से निवेदन है, प्रयास करना, रोड के किनारे, बगीचे में, बाग में, गार्डन में, कहीं पर, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, शमशान में, आसपास के क्षेत्र में, जहां तुमसे बन जाए, बारिश के मौसम में एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाना, जिससे अपन चले भी जाएं तो बेलपत्री का वृक्ष रहे, उसकी पत्तियां भगवान देव अधिदेव महादेव को चढ़ती रहे, और जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से निकल कर जाए उसका कल्याण अपने आप हो जाए, एक वृक्ष अवश्य। प्रयास करो कि एक वृक्ष
हम बेलपत्री के उस एक वृक्ष को अवश्य लगाएं, बेलपत्री का एक पेड़ हम अवश्य लगाएं, एक वृक्ष हम अवश्य लगाएं, प्रयास करिए। एक माँ ने अपने पत्र में लिखा है।